सर, सुसाइड नोट से पता चलता है कि मरने वाले का नाम अमर था। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं पता लगा, और उस कमरे में हमें टाइपराइटर के अलावा और कोई खास सामान नहीं मिला। जो कुछ था उस पर काफी धूल जमा थी। इससे साफ जाहिर है सर कि ये शख्स वहां नहीं रहता था। उस मकान का मालिक कौन है? कोई रिटायर्ड फौजी हैं, कर्नल भारद्वाज। लेकिन सर उनका कहना है कि ये मकान पिछले एक साल से बंद पड़ा हुआ था। वैसे ही मकान के दरवाजे पर जो ताला लटका हुआ है उसे देखने से साफ जाहिर है कि इसे कल ही खोला गया। बट इन सारी बातों से ये पता लगाना मुश्किल है सर कि वो शख्स कौन है। जैसे तुम्हें काम करो, फिंगरप्रिंट्स लो। फिंगरप्रिंट से हो सकता है हमें पता चले इस आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं। यस सर। श्रीवास्तव, लाश की शनाख्त ये लड़की भी तो कर सकती है। वो तो ठीक है सर, लेकिन इस लड़की के बारे में भी तो हमें कुछ मालूम नहीं है। पता चल जाएगा श्रीवास्तव। ये देखिए, इस तस्वीर के पीछे उस फोटोग्राफर का स्टिकर लगा हुआ। ये फोटोग्राफर हमें बताएगा ये लड़की कौन है। हेलो, हेलो, कौन है? हेलो, हेलो। मैं आ रहा हूं निकिता। हाँ। हेलो राहुल, तुमने अभी फोन किया था? नहीं तो? तुम हो कहाँ? तुम्हारे दिल के बहुत करीब। राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम यहाँ आ सकते हो? क्यों, क्या बात है? मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हारे अंकल कहाँ हैं? पता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। Don't worry, I'll be right there, okay? Shit, not again. एक्सक्यूज मी भाई साहब, मुझे मॉडल टाउन जाना है, इट्स वेरी अर्जेंट। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? श्योर, प्लीज कम। थैंक यू। सिगरेट? जी नहीं, थैंक्स। बाय द वे, आई एम अमर कांत। राहुल, सैकड़ों बार जान दे सकता हूं, लेकिन तुम यहां क्यों आए हो? मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। मेरा जवाब ना है।
मैं सिर्फ 3 बार पूछूंगा, हाँ या ना। ना। ये तो अमर है। तुम इसे कैसे जानती हो? इसीलिए तो मुझे अभी गाड़ी में लिफ्ट दी थी, अभी अभी मुझे ये बाहर छोड़कर गया है। ये कैसे हो सकता है? ये तुम्हें सोचो, ये आदमी अभी अभी जिंदा था, मेरे साथ गाड़ी में था, यहां अंदर इसकी लाश कैसे आ गई? लाश नहीं है राहुल, इसने खुदकुशी की है, इसने अपने आप को मारा है। निकिता, हमें पुलिस को खबर करनी होगी। खबर करने की जरूरत नहीं है, वो यहां पहले से ही मौजूद है। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने अभी अभी अपने आप को यहां गोली मार ली। ये लाश यहां कैसे पहुंच गई? ये तो पुलिस कस्टडी में थी। मैं कुछ नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी जबरदस्ती घर में घुसाया और इसने अपने आप को मार डाला। That's impossible. इस आदमी ने कल सुइसाइड कमिट किया है और इसकी लाश कर्नल भारद्वाज के घर से बरामद हुई। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? ऐसा कैसे हो सकता है? ये आदमी कल कैसे मर सकता है जबकि आज ये आदमी जिंदा था और इसी आदमी ने मुझे यहां तक गाड़ी में लिफ्ट दी है। What? ये क्या पहेली इंस्पेक्टर साहब? आप कह रहे हैं कि कल उसकी लाश मिली थी और ये कह रहा है कि वो अभी जिंदा था, तो फिर उसने आज मेरे घर में अभी अपने आप को गोली कैसे मारी? सर, लाश तो वाकई गर्म है, कहीं उस आदमी का हमशक्ल तो नहीं है? हूबहू वही शक्ल, ये कैसे हो सकता है? श्रीवास्तव। यस सर। प्लास्टिक सर्जरी की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम एक काम करो, शोर फिंगरप्रिंट्स का बंदोबस्त करो। राइट। इसके फिंगरप्रिंट्स लो। एक शक्ल के 2 आदमी हो सकते हैं लेकिन एक ही फिंगरप्रिंट के 2 हाथ नहीं हो सकते। और पोस्टमार्टम का बंदोबस्त करो। कम ऑन। राइट। यू कैन गो। मिस निकिता, अब ये बताइए कि आदमी कौन है? मैं इस आदमी को नहीं जानती हूं। अच्छा, वेरी स्ट्रेंज। पहली बार एक लाश मिलती है, उसके साथ एक सुइसाइड नोट मिलता है,
उस सुइसाइड नोट के साथ आपकी तस्वीर मिलती है, दूसरी बार एक लाश मिलती है जो हूबहू वैसी है, आपके घर से मिलती है, और आप कहती कि मैं इस आदमी को नहीं जानती। मैंने कहा ना, मैं इस आदमी को नहीं जानती हूँ, नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ। बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही हैं आप इस आदमी को जानती हैं, बड़े अच्छी तरह जानती हैं। बताइए इस आदमी को कैसे जानती हैं आप? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आप सब कुछ जानती हैं, झूठ बोल रही हैं मुझसे। मैं कुछ नहीं जानती। ये सब क्या हो रहा है देखिए बेटे? चाचा जी, अनजान आदमी घर में घुस आया, इसने अपने आप को गोली मार ली, और इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरा इसके साथ कोई रिश्ता है। अगर इस आदमी के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है तो कल कर्नल भारद्वाज के घर में जो लाश मिली उसके साथ एक सुइसाइड नोट मिला, उसके साथ आपकी तस्वीर कैसे मिली? और आज एक लाश मिली हूबहू वैसी शक्ल की, और आप कहती इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं, मैं इसे जानती नहीं। मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। ये क्या तरीका है पूछताछ करने का? जरा भी ख्याल नहीं कि मेरी बेटी के दिलो दिमाग पर क्या बीत रही है। यहाँ उसके सामने एक लाश पड़ी है और आप उससे सवाल जवाब कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। और ये पूछताछ तो आप बाद में नहीं कर सकते हैं इंस्पेक्टर? बिहेव योरसेल्फ एंड जस्ट, आवाज नीचे करके बात कीजिए मिस्टर चोपड़ा, आर के चोपड़ा। ऑलराइट मिस्टर आर के चोपड़ा, अगर आज ये बयान देने की पोजीशन में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कल इनको पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये बात तो तय है कि वो दोनों अलग अलग लाशें थीं, क्योंकि जिस वक्त हमें वो दूसरी लाश मिली ठीक उसी वक्त पहली लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जा रही थी। उस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? नो सर, जब तक वो पोस्टमार्टम टेबल तक पहुंची वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। व्हाट? यस सर, उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो पहचानी भी नहीं जा रही थी। लेकिन सर एक हैरत अंगेज बात जो देखने में आई वो ये थी कि उस दूसरी लाश के फिंगरप्रिंट्स हूबहू पहली लाश के फिंगरप्रिंट्स के जैसे ही थे। इट्स इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है श्रीवास्तव? एक आदमी दो बार खुदकुशी कैसे कर सकता है? शायद वो लड़की हमें इस बारे में कुछ बता सके। बिलीव मी, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? निकिता, खुदकुशी के लिए जिम्मेदार शख्स को भी मुजरिम समझा जा सकता है, और आप अपने आप को मुजरिम साबित नहीं करना चाहती। Am I right? ये एक झूठ आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है मिस निकिता। देखिए निकिता अपना बयान दे चुकी है, इसलिए All right. सुन लिया मैंने, जा सकते हैं आप लोग। निकी बेटे तुम एक काम करो, एक गाड़ी तुम ले जाओ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं एक घंटे बाद घर पहुंच जाऊंगा। मैं टैक्सी ले लूंगी। लेकिन तुम अकेली? मैं चली जाऊंगी। सो ओके, टेक केयर। मॉडल टाउन सॉरी अंकल, मेरी बाइक रास्ते में फिर खराब हो गई थी। बाय द वे निकिता कहाँ है? वो तो टैक्सी लेकर गई, देखो वो जा रही है।
I'll catch her up on the way. मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर तुम यहां से नहीं जा सकती। ये नहीं हो सकता, तुम मर चुके हो। निकिता, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए सैकड़ों बार जान दे सकता हूं। ये नहीं हो सकता। तुम्हारा जवाब मुझे जिंदगी दे सकता है और मौत भी। बोलो क्या है तुम्हारा जवाब? जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 3 कदम का फासला है निकिता। बोलो हां या ना। नहीं। हां या ना। नहीं। हां या ना। जानती वो अमर है, वो मर चुका, लेकिन वो फिर आएगा।
तुम या डॉक्टर अमरकांत? लेकिन आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया? माय गॉड, जस्ट अ मोमेंट। आप इसे हाथ नहीं लगाएंगे। क्या कह रहे हैं? अब जानते हैं कि पेशेंट की हालत सीरियस है। जी हाँ, मैं जानता हूं, और ये हालत आपकी वजह से हुई, आपको देखकर। व्हाट? हाँ, तुम वही हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरी निकिता के पीछे पड़े हो? क्यों जान लेना चाहते हो उसकी? लुक मिस्टर, डॉक्टर का काम पेशेंट की जान बचाना होता है, लेना नहीं। मुझे चेक करने दीजिए। एक्सक्यूज मी, इससे पहले आपको ये प्रूव करना होगा कि आप एक डॉक्टर हैं। लुक मिस्टर, हु आर यू? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। ओके, ये रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड। सॉरी, मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया। कोई बात नहीं, इस पूरे अस्पताल में ऐसा कोई नहीं है जो आपको जानता हो। कोई तो होगा, आप एक डॉक्टर हैं। ऑफ कोर्स, सारा स्टाफ मुझे पहचानता है, और आप चाहे तो यहाँ के डीन से मेरे बारे में बात कर सकते हैं। यस इंस्पेक्टर साहब, यही है डॉक्टर अमरकांत आहूजा, ये हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर है। इसके मायने ये हुए कि वो तीनों भी डॉक्टर अमरकांत की थी, जिनकी शक्लें आपस में हूबहू एक जैसी थी। देखिए, हो सकता है जिन लोगों ने अपनी जान दी है उनकी शक्लें मुझसे मिलती जुलती हो, लेकिन वो मैं कैसे हो सकता हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि शक्लें आपस में मिल सकती हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट्स नहीं, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स भी बिल्कुल एक ही थे, तो कानून वो एक ही आदमी हुए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अहम सवाल। डॉक्टर साहब, क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? इसका नाम निकिता है। निकिता? सॉरी, कुछ याद नहीं आ रहा। चलिए सर, कोई बात नहीं, बाद में याद आ जाए। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके फिंगरप्रिंट्स ले सकता हूँ? इफ यू डोंट माइंड। नॉट श्योर, ले लीजिए। सर, ये डॉक्टर अमरकांत के फिंगरप्रिंट्स हैं, और वो उन लाशों के जो पोस्टमार्टम के पहले सड़ चुकी थी। श्रीवास्तव, ये तो हूबहू बिल्कुल एक जैसी ही है। श्रीवास्तव, ये नाम अमरकांत मैंने कहीं सुना हुआ है। कहाँ सुना हुआ है? किसी इन्वेंशन के सिलसिले में, इनको कहीं इन्वेंशन का कोई पुरस्कार मिला था। चल बे, अबे पाकेट मारता है, पुलिस वाले का पाकेट मारता है। है? चल निकाल, कितना पाकेट मारा, चल निकाल निकाल और निकाल, चल निकाल फटाफट। अबे इतना सारा पाकेट किस किस का मारेला रे? हवलदार ले जाओ, हवलदार ले जाओ इसे अंदर। डॉक्टर अमरकांत आहूजा, कम ऑन श्रीवास्तव, हमें फौरन डॉक्टर अमरकांत से मिलना हो। गुड,
She's improving. एक मिनट। पीछे क्यों पड़ गए हो? आखिर क्या चाहते हो मुझसे? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, वो भी पिछले कई सालों से। लेकिन तुम तो मर चुके थे। तुमने मेरे सामने खुदकुशी की थी। हाँ, वो मैं ही था, मेरा ही प्रतिरूप, मेरा क्लोन। क्लोन? ये विज्ञान का चमत्कार है निकी। देखो, ये भी मेरा ही क्लोन है। इसे मैंने अपने ही डीएनए से बनाया है। इसकी शक्ल ही नहीं, बल्कि इसकी उंगलियों का निशान, इसका दिमाग, इसकी सोच, हर कुछ मेरे ही जैसा है। ये कैसे हो सकता? विज्ञान निकी, विज्ञान। विज्ञान वो चीज है निकी, जो असंभव को भी संभव कर सकता है। विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि जानवरों की क्लोनिंग हो, एक जानवर से उस जैसे सैकड़ों जानवर बनाए जा सकते हैं। लेकिन दुनिया का कोई भी देश इंसान की क्लोनिंग नहीं कर सका। मैंने डॉक्टर अमरकांत ने इंसान का भी क्लोन तैयार कर लिया है। लुक, अमरकांत सिर्फ एक दिन में अपने जैसा हूबहू दूसरा अमरकांत बना सकता है। सिर्फ एक दिन में नहीं, सिर्फ एक दिन में। तुम पागल हो, तुम सच में पागल हो गए हो। तुमने मुझे उस दिन भी पागल किया था जब मैंने आज से 5 साल पहले अपने प्यार का इजहार तुमसे किया, याद है? वो पता, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सैकड़ों बार जान दे सकता हूं। तब तुमने यही कहा था कि अमर तुम पागल हो। और देखो निकी, तुम्हारे इस पागल ने दुनिया का वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका और ना ही कोई कर पाएगा। निकी, निकी, तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितने महान आदमी को ठुकराया था। अमरकांत द ग्रेट साइंटिस्ट इन दिस वर्ल्ड।
तुम्हारा पागलपन ही तो है कि तुमने एक मामूली लड़की के लिए अपने बनाए क्लोन को मार डाला। नो, तुम मामूली लड़की नहीं हो मेरे लिए निकी, तुम मामूली लड़की नहीं हो। अरे यू माई लव, यू माई लाइफ निकी, माई लाइफ, मेरा सब कुछ हो तू। और रही बात इन क्लोन्स की, तो इन्हें तो मरना ही था। एक्चुअली मेरे क्लोन्स में एक खामी रह गई थी। ये एक ही दिन में 30 साल के हो जाते और 2 दिन में 60 साल के, यानी कि मैं 3 दिन से ज्यादा इन्हें जिंदा रख भी नहीं सकता। इसलिए मैंने सोचा कि इनका खुदकुशी कर लेना बेहतर होगा। इसलिए मैंने ये बात इनके अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन में डाल दी। बस बस निके, अब तो तुम समझ सकती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूं, मैं राहुल से प्यार करती हूं। जो तुमने अपनी जबान से किसी और का नाम लिया था, तो क्या कर लोगे तुम? मुझे मार डालोगे, मेरे क्लोन्स बनाकर उन्हें मार डालोगे? लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा और मेरा मिलन कभी नहीं हो सकता। निकी, जरूर हो सकता है। मैं एक ऐसा क्लोन तैयार करूंगा जिसमें हम दोनों के शरीर के डीएनए होंगे। इस तरह हम दोनों का मिलन हो जाएगा। या एक नया जीव बनेगा निकी, एक नया प्राणी। मेरी इजाद होगा। तुम पागल हो, तुम एकदम पागल हो। या दुनिया ने हर महान आदमी को पागल ही कहा है। आई एम द ग्रेटेस्ट मैड ऑन द अर्थ। घबराओ नहीं, बिल्कुल मत घबराओ, सिर्फ एक सेकंड की बात। छोड़ो मुझे, एक सेकंड। खबरदार, चिल्ला मत, अगर थोड़ी हरकत की गोली मार दूंगा मैं, और इस बार तुम कभी जिंदा नहीं हो पाओगे। सुना तुमने? तुम यहां क्यों आया हो? निकिता को आज छोड़ो पहले। तो किस्सा मुख्तसर यह है कि हम ये जानने आए थे कि आपका और निकिता का संबंध क्या। आप तो कह रहे थे कि आप निकिता को जानते तक नहीं। सरकार, जब आपका पर्स मिला और उस पर्स के अंदर निकिता की तस्वीर मिली, तभी बात हमारी समझ में आ गई कि आपका और निकिता का कोई करीबी रिश्ता है। और वो मरने वाले आप नहीं थे, बल्कि आप ही के इजाद किए हुए 3 क्लोन्स। तुम्हें कैसे पता चला कि वो मैं नहीं था? मेरे क्लोन से थोड़ी सी याददाश्त हम भी रखते हैं अमरकांत बाबू। और खैर, आप अगर भूल गए हो तो आपकी याददाश्त ताजा करवा दें। कुछ साल पहले सरकार ने आपको प्रोत्साहित किया था, आपको ऑनर किया था चूहों का क्लोन बनाने के लिए। या दैट्स इट। वो लाशों का इतनी जल्दी सड़ना, वो फिंगरप्रिंट्स का हूबहू वैसे ही मिलना, बात बिल्कुल साफ कि वो आप नहीं थे, आपके क्लोन्स थे। वो आपने 3 क्लोन्स इजाद किए थे, मिस्टर अमरकांत साइंटिस्ट द ग्रेट। या श्रीवास्तव, अरेस्ट हूं। व्हाट? अरेस्ट किस जुर्म में? एक लड़की को डराना, आतंक फैलाना, उसे अगवा करना, गैर कानूनी तरीके से साइंटिफिक रिसर्च करना, और 3 लोगों का कत्ल करना। आई थिंक इतने सारे जुर्म काफी होंगे आज के लिए। वो इंसान नहीं थे, मेरी जात थे, मेरे क्लोन से, मेरे बनाए हुए। मारने का हक तो पैदा करने वाले मां बाप को भी नहीं होता। और फिर तुमने जिंदगी देकर भी जुर्म किया है, और जिंदगी लेकर भी। श्रीवास्तव, अरेस्ट हिम। डॉक्टर अमरकांत, प्लीज। एक मिनट,
मुझे निकिता से एक सवाल पूछना है। निकी, निकी हाँ या ना? तुमसे कोई कैसे मोहब्बत कर सकता है? तुम तो नफरत के भी काबिल नहीं हो। I love you, निकी। काम का बुरा नतीजा, दीवानगी का यही अंजाम होता। निकिता जी, काश इनकी दीवानगी के पीछे कोई सच्चा मकसद होता। साइंस वो ताकत है निकिता जी कि जिसका जब जब गलत इस्तेमाल हुआ है, हथियार इजाद हुआ है, बम इजाद हुआ है, लेकिन जिसका जब जब सही इस्तेमाल हुआ है, दवाएं इजाद हुई हैं जिससे इंसान को जीवन दान मिला है। काश इनकी दीवानगी के पीछे कोई सही मकसद होता तो आज इस देश में ही नहीं सारी दुनिया में इनका नाम होता।